ये आ गया कलकत्ता के आगरपुरा में। इधर एक 3 टन का चील आ रही है, ये देख सकते हो। ये कंप्रेसर का जो एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है उसका टेम्परेचर, और ये वाटर का, दोनों में अंतर रहता है 4-5 डिग्री। तो यहाँ फिलहाल 4 डिग्री है। अब ये कंप्रेसर ऑन, ये पाम ऑन, दोनों का इंडिकेटर है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इधर आ गया आपका बैक प्रेशर, लगभग 60 है, लेकिन 60 नहीं है, ये कांटा खराब है, 50 के आसपास है, 50 या 52 है, क्योंकि 10 PSI इसका डिफरेंट है। और ये हो गया इसका डिस्चार्ज प्रेशर, करीबन 240 है, लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है, इसमें भी 10-20 PSI डिफरेंस है। अब आ जाते हैं इसका कंप्रेसर के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका कंप्रेसर, ये बहुत हीट है, टच नहीं कर सकते। ये दोनों देख लीजिए, ये HP और LP का कंट्रोल करते हैं कि ये आइए, ठीक है। ये हो गया फंक्शन। अब दूसरा ये वाटर कूलर का जो एक्सपेंसर होता है यही हो गया, पीएच हो गया, ये वाला बहुत ठंडा है, ये में हो गया एक्सपेंसर वाल्व हो गया। ये वो जब दिखा वो स्पेंसर वाल्व है, कंडेंसर है, लेकिन कंडेंसर थोड़ा क्लीन नहीं है, आगे की तरफ है, बहुत फर्स्ट है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। और ये कंडेंसर को क्लीन करने के लिए फ़ैन घूम रहा है, ये 3 फेज का हाई स्पीड मोटर है। अब ये आगे इधर में कूलिंग के लिए, ये ठंडा है, करीबन 29 डिग्री ठंडा है इसमें, 29 डिग्री। ये हो गया आपका सेंसर, अगर हटा लिया जाएगा इसको, यहाँ पर गर्म देंगे तो गर्म होगा, देख लीजिए एक बार। इसमें अगर गर्म देंगे तो ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी सेंस नहीं कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद करेगा। चलिए इसको फेंक देते हैं। ये हो गया आपका पानी का कूलिंग का ये सेंसर, ये मोटर चल गया, ये पाइपलाइन के थ्रू उधर में काम चलेगा। बस पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसमें और भी गैस चार्ज करना है मुझको। ये जो टेम्परेचर है ये सबको 10 या 22 से 20 तक आना होगा, ठीक है। इसके लिए और एक कैन, मतलब 1 KG के आसपास गैस चार्ज करना होगा। चलिए अब घर जाना होगा, खाना पीना करना होगा।